आशीर्वाद चरण वैष्णो सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ब्रेड की जो आलू वाला मैश करके उसके ब्रेड स्लाइस बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं जी। हमने उबले हुए आलू लिए और उसके ऊपर छिलके उतार दिए और थोड़ा सा हमने बारीक बारीक धनिया काटा और हम एक चम्मच हम सॉस में डालेंगे बेसन के बीच में। अब देखो और जो हमने जब ब्रेड स्लाइस ली या ब्रेड के साइडों में हमने वो निकाल दिए जी। देखो जी हमारे काम आएंगे जी। हम इसको फेंकेंगे नहीं जी। हमको टिक्की बनाए कुछ भी बनाए जी उसको इसका पाउडर बना के उसके बीच में डाल जाता है जी। हम फेंकेंगे नहीं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसन लेंगे। बेसन हमने गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल गाढ़ा पतला बेसन बनाएंगे। एक दो बेसन का जो घोल रखे ना वो पतला वो गाढ़ा है, बाकी जो नमक डालना है वो अपने अपने स्वाद के अनुसार। अगर कम खाते हो तो कम डाल लो, ज्यादा खाते हो ज्यादा डाल लो। थोड़ी सी हम लाल मिर्च भी डालेंगे, फ्लैक्स सीड मिर्च। थोड़ी सी हम हल्दी भी डालेंगे। इसके बाद हम धनिया पाउडर वो भी डालेंगे। हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको पहले घोल थोड़ा तैयार करते हैं। देखो पानी धनिया भी डाल देते हैं, पहले डाल दिया। अच्छा पानी हमने आपको थोड़ा करके डालना, एकदम नहीं डालना ताकि वो ज्यादा पतला ना हो जाए। गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल पतला। गाढ़े का स्वाद और होता है, पतला बना के बेसन स्लाइस बना उसका स्वाद और होता है, स्वाद में बहुत फर्क पड़ता है। हमने क्या किया, गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी, उसमें रिफाइंड डाल दो, कुछ भी डालो, सरसों का तेल भी डालना बस, रिफाइंड वो गर्म हो रहा है, उधर से गर्म हो रहा है, उधर से हम सामान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा स्वाद बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे जी, अजवाइन थोड़ी सी डाल देते हैं, झगड़ के ना अजवाइन डाल दो, इससे स्वाद दुगना हो जाएगा। अब थोड़ा सा पानी और, देखो ये है ना पतला, थोड़ा सा और पतला करेंगे हम लोग बस इतना। अच्छा ये पतला करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सॉस, टमाटर सॉस, ये डाल देंगे आधा। अगर आप थोड़ा सा और खट्टा बढ़ाना चाहते हो, खट्टा मीठा और डाल लो, इससे जी अपने ये भी अपने हिसाब से डाल दें स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा और डाल देते हैं हम लोग। अब इसको हम घोल तैयार करेंगे। हो गया घोल तैयार। अच्छा थोड़ा सा जो गरम तेल किया हुआ है रिफाइंड, थोड़ा सा वो डालेंगे। ये डालने से क्या होता है, बेसन का जो घोल है बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। इसको घोल घोल लिया। देखो अब हमारे पास जो उबले आलू हैं इसको हम मैश करेंगे, इसमें भी हम सामान थोड़ा डालेंगे, जो पाउडर धनिया पाउडर, नमक, मिर्च इसमें डालेंगे। अब इसको मैश करना है हमने। अच्छी तरह मैश कर दो ताकि वो इसमें स्लाइस में बाहर ना निकले, अच्छे से बंद हो जाए। भाई इसको करते जाओ। ये स्लाइस बहुत ही स्वाद बनते हैं ब्रेड के, चाय के साथ भी खा सकते हो, शाम को जब कभी भूख लगे तब भी खा सकते हो आप।
अगर आप मिर्च ज्यादा खाते हो तो मिर्च ज्यादा डाल लो, फिर करारे बन जाएंगे। जी हमारा हो गया तैयार, देखो मिक्सचर, जी हमारा स्टफिंग तैयार हो गई। अब देखो हम इसको भरेंगे स्टफिंग को करके, फिर उसमें रखेंगे। एक पीस लिया, इसमें स्टफिंग कर ले, ऐसे रख के प्लेट में रख के करो, सारा इक्वल बराबर भरा जाए। क्या हाथ में करेंगे कुछ ना कुछ साइडों में रह जाता है, ऐसे करके इसका तैयार स्टफिंग कर ली। इसके बाद दूसरा इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा सा दबा दो। दबाने के बाद इसको ऐसे कर लिया, थोड़ा सा इसको दबा। चलो अब इसमें जो हमारा तेल तैयार हुआ हुआ है इसमें आराम से डाल दो। और हल्का सेक रखना, तेज नहीं रखना, तो तेज रखेंगे जो करारा नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा, हल्का रखेंगे क्रिस्पी बनेगा, क्रिस्पी की शक्ल और दूसरी की शक्ल और होती है। देखना उतनी देर में हम दूसरा तैयार करके रख लेते हैं। ऐसे करके इसके ऊपर दूसरा रख दिया, थोड़ा सा हल्का हल्का इसको दबा दो। कई बार क्या होता है खुल भी जाता है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तो स्टफिंग तो साथ ही होती है। ये देखो आराम से करो, हो गया ना, बस आराम से करना पड़ता थोड़ा सा। जी हमारे आलू वाली ब्रेड किसी टाइम भी खा सकते हो आप, किचन में जाइए ना कर देखिए कितना स्वाद आता है, अपने हाथों से बनाए तो वैसे भी स्वाद आता है। भाग कर जाइए किचन में, जल्दी जल्दी तैयार कीजिए, आप भी खाइए अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये ध्यान रखना कि हमने फ्लेम को तेज नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना अपने, बस तेज करेंगे तो मजा नहीं आएगा खाने का, तो एक दो मिनट का फर्क पड़ता है। चाय बनाओ, चाय के साथ खाओ। देखो अब इस कैसे बन रहा है, देखो है ना, आप बनाकर मेरे को जरूर बताना, अपने कमेंट देना भी कैसे बना, कितना स्वाद आया कितना नहीं आया, आप मेरे को अपने कमेंट जरूर दिखाना। अच्छी तरह तेल निकालना, तेल साथ ना है। देखो हो गया, अब इसको इधर रख देते हैं, उसके बाद फिर हम इधर रख देंगे। जी देखो ऐसे हम लोग प्यार करते हैं, आप भी बनाइए, खा कर देखिए, बना कर देखिए। आशा करती हूँ कि आपको खूब पसंद आएगा और खाने का मजा भी आया होगा देखकर। बन जाइए सोई में, किचन में जाइए, बनाकर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।